सबसे पहले मैं ग्रीस में Θέλω καταρχήν εκ μέρους μου και εκ μέρους του λαού της Ινδίας να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για τις απώλειες ζωής. Hum ghayalon ke shighra swasth hone ki kamna karte hain. Friends, Greece aur Bharat ye ek swabhavik milan hai. विश्व की दो पुरातन सभ्यताओं के बीच, विश्व के दो पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं के बीच और विश्व के पुरातन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के बीच, फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है. विज्ञान, कला और संस्कृति सभी विषयों में हमने एक दूसरे से सीखा है. आज हमारे बीच जियोपॉलिटिकल, इंटरनेशनल और रीजनल विषयों पर बेहतरीन तालमेल है, चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो या मेडिटेरेनियन में हो. दो पुराने मित्रों की तरह हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उनका आदर करते हैं. 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है, फिर भी ना तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है ना ही रिश्तों की गर्मजोशी में कमी आई है. इसलिए आज प्रधानमंत्री जी और मैंने भारत ग्रीस पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है. हमने तय किया है कि हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाकर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देंगे. फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में हमने सैन्य संबंधों के साथ साथ रक्षा उद्योगों को भी बल देने पर सहमति जताई. आज हमने आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की. हमने तय किया कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर भी बातचीत का एक संस्थागत प्लेटफॉर्म होना चाहिए. प्रधानमंत्री जी और मैं सहमत हैं कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ोतरी की अपार संभावनाएं हैं. इसलिए हमने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दो गुना करने का लक्ष्य तय किया है. आज अभी कुछ देर में प्रधानमंत्री जी एक बिजनेस मीटिंग की मेजबानी करेंगे. इसमें हम कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर दोनों देशों के बिजनेस प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे. हमारा मत है कि हम अपने देशों के बीच व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित कर अपने उद्योग और आर्थिक सहयोग को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं. आज कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए. इस एग्रीमेंट से हम कृषि और बीज उत्पादन के साथ साथ रिसर्च, पशुपालन और पशुधन उत्पादन के क्षेत्र में भी सहयोग कर सकते हैं. फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच स्किल्ड माइग्रेशन को सुगम बनाने के लिए हमने जल्द ही एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया. हमारा मानना है
कि अपने प्राचीन पीपल टू पीपल संबंधों को नया रूप देने के लिए हमें सहयोग बढ़ाना चाहिए। हम अपने शिक्षण संस्थानों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे। फ्रेंड्स, हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ग्रीस ने इंडिया ईयू ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर अपना समर्थन प्रकट किया। यूक्रेन के मामले में दोनों देश डिप्लोमेसी और डायलॉग का समर्थन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्रीस के सहयोग के लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। भारत की G20 की अध्यक्षता को लेकर प्रधानमंत्री जी की शुभकामनाओं और प्रोत्साहन के लिए मैं उनका आभारी हूं। फ्रेंड्स, मैं हेलेनिक रिपब्लिक के लोगों और राष्ट्रपति जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ने उससे सम्मानित किया। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैंने यह पुरस्कार स्वीकार किया और अपना आभार व्यक्त किया। भारत और ग्रीस के साझा मूल्य हमारी लंबी और भरोसेमंद पार्टनरशिप का आधार है। लोकतंत्र के मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने और उन्हें सफल रूप से प्रचलित करने में दोनों देशों का ऐतिहासिक योगदान है। मुझे विश्वास है कि भारतीय और ग्रीको रोमन कला के सुंदर मिश्रण से बने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की तरह भारत और ग्रीस की मित्रता भी समय की शिला पर अपनी अमीट छाप छोड़ेगी। एक बार फिर ग्रीस के इस खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर में आज मुझे और मेरे डेलीगेशन को जो आदर सत्कार मिला, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और ग्रीस के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।